हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का पैनल पार्ट टू जारी हो चुका है। 962 कैंडिडेट का, सॉरी 72 यहाँ पर लिखा गया है। ये पैनल में उन कैंडिडेटों को शामिल किया गया है जो आरआरसी चेन्नई में अभी पेंडिंग या इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि एक बिग पैनल पैनल पार्ट वन आ गया था, तो अब सेकंड पैनल के बाद अब क्या बचेगा सीटें, 500 550 सीटें बची है, उसका डिटेल हम देखेंगे। हालांकि सेकंड पैनल में कम्युनिटी वाई कैंडिडेट दिया है, लेकिन वो नहीं दिया है कि यूआर में कितने क्वालिफाई हैं, तो फाइनल कम्युनिटी वाई कैंडिडेट डिटेल नहीं मिल पाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि टोटल डिटेल आपको एक बार ला के दिखाएँ सेकंड डीवी के लिए। एक्सपेक्टेड कटअप भी अनुमानता है, लेकिन उसमें से चेंज हो सकता है जब ओरिजिनल आएगा। तो वेबसाइट पर आइएगा आरआरसी मद्रास का, तो यहाँ पे चेन्नई वाला का यहाँ के प्रोविजनल पार्ट पैनल रिकमेंडेटेड टू आ गया है। पहले पार्ट वन आ गया था, बिग आ गया था, दोनों देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये पैनल, यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि ये कैंडिडेटों का पैनल है जिसको रोल नंबर के टर्म में 962 कैंडिडेटों का नाम दिया हुआ है, 962 कैंडिडेटों का, और कह सकते हैं एक बिग पैनल है। और बाकी का अगर मेडिकल वगैरह रहेगा तो बाद में अभी है रिजेक्शन वगैरह के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एडिशनल डिग्री के लिए बोल दिया है कि जैसे ही कंडीशन क्लियर होगा तो ये भरा जाएगा। रिमेनिंग वैकेंसी विल बी फिल्ड आफ्टर रिसीविंग टू मेडिकल फिटनेस ऑफ कैंडिडेट एंड बाय एडिशनल कैंडिडेट बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी फिलिंग वैकेंसी ऑफ द अब्सेंट और रिजेक्शन वगैरह वगैरह जो होगा उसके बाद में। डेट नहीं बताया है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट मई के लास्ट तक भी आ सकता है या जल्दी भी आ सकता है। यहाँ पे तो स्टेटस बहुत क्लियर हो गया है, लेकिन अभी किसी कैंडिडेट को बाहर नहीं निकाला है किसी कारण से, या छोड़ दिए हैं या जो कारण से, तो ये अभी वेट करना पड़ेगा। टोटल कैंडिडेट का डिटेल तो दिया है कि किस कैटेगरी में किसको भेजा, किसको कहाँ भेजा है, ये आपको पता हो गया है कि आपकी कैटेगरी और पोस्ट एक अलॉटमेंट और डिवीज़न आपके लगभग लगभग क्लियर हो गया। डिवीज़न तो नहीं है, लेकिन आपकी पोस्ट क्या मिला है वो पता हो गया है कैटेगरी के साथ, और एसआर और आईसीएफ जो जो इनका है, जहाँ जहाँ पोस्टिंग करना है वो दे दिया है लगभग लगभग। लेकिन उसकी खाली डिवीज़न अलॉटमेंट आपको दूसरे वेबसाइट पे होती है, वो पूरा डिटेल है। सीसीए का भी पैनल है, पीडब्ल्यूडी का भी नीचे पैनल है, पूरा डिटेल है। इसको डिटेल से तो अभी पूरा पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इस पीडीएफ का मदद लेना पड़ेगा जो www.railwaylifelp.com की वेबसाइट पे अपडेट है। पीडीएफ वाले में वहाँ पे अपडेट कर दिया हूँ मैं। इसमें आप देखेंगे तो चेन्नई का एक डिटेल, अगर टोटल बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो यहाँ पे टोटल थे 9579 और पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट करीब करीब 13883 से, जो अभी भी बहुत कैंडिडेट बचे हुए थे। लेकिन पीटी क्वालिफाई के बाद जब पूरा रिजल्ट आया तो रिजल्ट कुछ इस तरह से था, यानी यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि जब बैठकर रिजर्वेशन में जो पोस्ट आई थी वो 7997 आपका आया था टोटल करके, और बाकी कैंडिडेटों का इधर उधर से जोड़ के सारा से एक सर्विसमैन जोड़ने के बाद जो पैनल जारी हुआ था उसको भी अगर हम सारा जोड़ेंगे तो एक बार देखेंगे कि पहले जो जारी हुआ था कम्युनिटी वाई यूआर मेरिट वगैरह लगा के, तो 7997 कैंडिडेट। अभी पैनल जो जारी हुआ है ये 962 का है, ये तो आपने देख ही लिया है। उसमें से 85 यूआर है, 199 एससी कैंडिडेट हैं, एसटी के आपके कैंडिडेट आपके 116 है, और 392 ओबीसी के हैं, 170 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं, टोटल 962 हैं। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये होता 8975, और जो ऊपर से वैकेंसी थी 9500 में उसमें 604 है। हमने अनुमान लगाया था 800 के आसपास है, तो 604 सीट अभी आपका वैकेंट सीट खाली है सेकंड डीबी और बचे हुए लोगों को। 604 लेने में चेन्नई में अच्छा खासा कटम कम हो सकता है। मेरा अनुमान था कि यूआर का एक डेढ़ नंबर कम हो जाएगा और बाकी कम्युनिटी में कुछ आधे नंबर तक ओबीसी और एसी में, क्योंकि सीसीए वाला इशू था। अब उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी एक डेढ़ नंबर और आपका एसटी कम्युनिटी में भी एक नंबर तक कम हो सकता है, ऐसा अनुमान था। और देखते हैं इसमें से कितना क्लियर होता है, क्योंकि अभी 600 सीट भरना है और 600 सीट भरेंगे तो ये वाला जो कटअप एक्चुअल में था तो यहाँ में अभी कमी हो सकती है, क्योंकि कैंडिडेट के बीच में जो डीबी और पीटी के बीच में यहाँ का कटअप का डिफरेंस है वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छा खासा एक डिफरेंस था। इसलिए उसको हमें एक मिनट कहाँ गया जी, डीबी और पीटी का कटअप दोनों में देखेंगे तो यहाँ पे एक मिनट कटअप कहाँ गए, कटअप
डिक्रीज इंक्रीज में अभी भी गैप है। जैसे हमने एसटी में 11 नंबर क्यों ली, 11 नंबर का डिफरेंस है, तो मैंने इसीलिए अनुमान लगाया था कि ज़्यादा कम होगा क्योंकि गैप ज़्यादा है। सभी कम्युनिटी में देखिए गैप ठीक ठाक है, जो आपका सीबीटी का कट ऑफ था और फाइनल डीबी का कट ऑफ है, गैप ठीक ठाक है, जिसके कारण से कट ऑफ ज़्यादा कम होगा, हालांकि पोस्ट कम ही खाली है। अब इसमें एक चीज़ और लोगों का पता करना है इसमें कैंडिडेटों का, कि जब ऐसा है तो अभी क्या सेकंड डीबी के लिए जो ये कम्युनिटी बाई कैंडिडेट होंगे वो यूआर में होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसी को देगा रेलवे, और सिंपल सी बात है कि एलिजिबिलिटी बहुत मायने रखती है किसी भी कैंडिडेट को आगे बढ़ने के लिए, और वो डिसाइड करता है आरआरसी। लेकिन हम अनुमान ये लगाते हैं कि जब कटअप कम होगा तो नीचे वाला कैंडिडेट जो ओरिजिनल होगा वो कम्युनिटी से यूआर में शिफ्ट होना चाहिए, ये ऐसा टेक्निकलिटी है, बाकी आरआरसी पे है डिपेंड। जनरली आरआरसी साउथ में तो करते हैं, नॉर्थ में नहीं करते हैं, ये मैंने कई बार लोगों को बोल रखा है। लेकिन देखिए ये इशू पड़ता है आरआरसी भाई, आरआरसी के चेयरमैन क्या डिसीजन लेते हैं उस पर। थैंक यू, धन्यवाद।